जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी, आप सभी का स्वागत है डिवोशनल पॉइंट में। ये वीडियो है वैष्णो देवी की नए साल की वीडियो, जो आप ठीक अपने सामने देख रहे हैं। एकदम लेटेस्ट वीडियो है जो कि मेरे सब्सक्राइबर द्वारा मुझे भेजी गई है, जिनका नाम है मुकेश कुमार, जो कि हरिद्वार से बिलोंग करते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो भेजने का। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे नए साल पर, जो कि हर साल देखा जाता है। नए साल के दौरान भारी मात्रा में जो लोग हैं वो आते हैं दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप अपने ठीक सामने देख रहे हैं, ये जो लाइन लग रही है ये यात्रा पर्ची के लिए लाइन लगी हुई है, जो कि कटरा में है त्रिकुटा भवन पे, वहाँ पे ये लाइन लगी हुई है। बहुत ही भारी मात्रा में लोग थे यहाँ पे, और सामने आप देख ही सकते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और अभी यहाँ पे जो सामने नज़ारा देख रहे हैं ये है ताराकोट का नज़ारा, जहाँ पर कि लंगर है और वहाँ पर एक फुहारा आपको मिल जाएगा। तो ये वहीं पर ताराकोट का नज़ारा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। दोबारा मैं यही कहूँगा, अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं इन दिनों में, एटलीस्ट पहले हफ्ते में, तो अभी आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है बिल्कुल। और अभी आपको यात्रा पर्ची घर से ही कर लेके जानी होगी, वरना आपको लाइन में लगना पड़ सकता है। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। वहीं अगर मैं बात करूं वैष्णो देवी के मौसम और हालात की, हालात कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। अभी वैष्णो देवी में जो बर्फबारी है वो तो अभी रुक चुकी है, उसके बाद बर्फबारी नहीं हुई है दोबारा। बट दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी बर्फबारी अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ 7 और 8 तारीख की, लगभग उस टाइम बर्फबारी देखने को मिल सकती है या फिर भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। दोनों चीजों की अनुमान है वहां पर, तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा आप थोड़ा सतर्क होकर जाएं वैष्णो देवी। जब भी आप वैष्णो देवी जा रहे हैं जनवरी के पहले हफ्ते में, तो आपको थोड़ी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, प्रिपरेशन के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि ठंड अभी भी बहुत ज्यादा बनी हुई है। वहीं अगर मैं बात करूँ पुरानी गुफा की, क्योंकि ज्यादातर जो वैष्णो देवी जाने वाले यात्री हैं, जो कि जनवरी फरवरी के महीने में जाते हैं, ऐसे सभी यात्री सिर्फ यही आस लगाए जाते हैं कि उन्हें माता रानी की पुरानी गुफा के दर्शन करने को मिलेंगे। तो ऐसे सभी यात्री को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द पुरानी गुफा खुलने वाली है। डिवोशनल पॉइंट पहला एक ऐसा चैनल होगा आपको, जो कि सबसे पहले जानकारी देगा कि पुरानी गुफा कब खुलने वाली है। अभी तक की आशंका के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं, जो अभी पुरानी गुफा है वो 15 जनवरी को खुलेगी। अगर मैं बात करूं यात्रियों की संख्या की, अभी यात्रियों की संख्या लगभग, जो वैष्णो देवी जाने वाले यात्री हैं उनकी संख्या लगभग 20 से 21 हज़ार बनी हुई है, जो कि धीरे धीरे आने वाले कुछ दिनों में कम होने वाली है, क्योंकि जो भीड़ है, जो ज़्यादा भीड़ होती है वो ज़्यादातर न्यू ईयर के टाइम पे, यानी कि नए साल के टाइम पे आती है। जो आप सामने नज़ारा देख रहे हैं माता के भवन का नज़ारा है, देखिए न्यू ईयर के दिन का नज़ारा था, यानी कि नए साल का नज़ारा था, 1 तारीख का नज़ारा था। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, भारी भीड़ है, लोगों को बाहर इस तरीके से बैठना पड़ा था, उनको कंबल तक नहीं मिले, कुछ इस तरीके का नज़ारा वहाँ पे देखने को मिला था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी आप वैष्णो देवी जाएँ तो रात के समय आप बिल्कुल भी यात्रा चालू ना करें, जब तक कि आपके रूम बुकिंग ना हो, बेड बुकिंग ना हो, अर्धकुंवारी भवन जहाँ पर भी आपको रुकना है, वरना आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आप अपने परिवार के साथ जा रहे हो सकता है आपके साथ छोटे बच्चे या फिर बड़े बुजुर्ग भी हों, तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा हमेशा ये सुझाव रहता है ऐसे सभी लोगों के लिए कि आप बिल्कुल भी गलती से भी अपनी यात्रा रात को चालू ना करें। अब अगर मैं बात करूँ वैष्णो देवी में सभी रास्तों और सर्विसेज की, सभी रास्ते और सर्विसेज सुचालू रूप से चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ रोपवे की, जो रोपवे का टाइमिंग है वो 7:30 से लेकर शाम के 4:30 बजे तक का है, जो कि निर्भर करता है मौसम पर। हेलीकॉप्टर सर्विसेज चल रही हैं, जो कि पूरी पूरी निर्भर करती है मौसम पर। बाकी सारी सर्विसेज जैसे कि बैटरी कार वो भी चल रही है, तो किसी तरीके की यात्रियों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो के अंत में आप सभी लोगों से जानकारी साझा करना चाहूंगा, आने वाले कुछ दिनों में डिवोशनल पॉइंट आप सभी लोगों के लिए, माता के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी सर्विस लाने वाला है, जिससे न सिर्फ आप सभी लोगों को यानी कि लाखों लोगों को फायदा होगा, साथ ही साथ आप लोगों को डेली अपडेट्स भी मिलेंगे वैष्णो देवी के लिए। तो आप अपडेटेड रहे डिवोशनल पॉइंट के साथ और बने रहे डिवोशनल पॉइंट के साथ। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप जाके देख सकते हैं दुबई में जो माता वैष्णो देवी का मंदिर है, आप उस मंदिर को देख सकते हैं, अन्य भगवानों के मंदिर आप वहाँ पे देख सकते हैं और जान सकते हैं कैसी होती है आस्था अगर आप बात करें दूसरे देशों में। तो उस वीडियो को बिल्कुल देखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।